नमस्कार, स्वागत है आपका स्टडी फॉर लाइफ यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाई की बात नहीं, पढ़ाने वाले की बात करने आए हैं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे या शायद सभी लोग जो खान सर के वीडियो देखते होंगे। बहुत प्रसिद्धि प्राप्त टीचर हैं, बहुत फेमस हैं, देश विदेश बहुत जगह उन्हें देखा जाता है, उनका चैनल बहुत फेमस है। आशा है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, अधिकतर लोग ऐसे हैं यूट्यूब देखने वाले जो खान सर से परिचित हैं। इस समय उनके साथ बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है और लोग उन्हें अलग अलग तरह के मैसेज और इस तरह की चीज़ों से यूट्यूब पर और इधर उधर बहुत बातें उनके प्रति उठाई जा रही हैं। कुछ लोग उनके नाम को लेकर, कुछ लोग उनकी कास्ट को लेकर, अलग अलग चीज़ों को लेकर बहुत तरह की बातें कर रहे हैं। एक टीचर होने के नाते या एक विद्यार्थी होने के नाते, जो भी कह लो, या एजुकेटेड होने के नाते, मैं उनका सम्मान करती हूँ, क्योंकि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो उनके पास वो कला है कि वो पढ़ाई को भी मनोरंजन के साथ करवाते हैं, वो बड़ा मनोरंजक कर देते हैं अपनी क्लास को। ये एक कला होती है, नहीं तो टीचर बड़ा मनहूस टाइप का सीरियस सा खड़ा होकर लेक्चर देता है और वो उसे कॉमेडी के साथ पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं ये सम्मान मैं दिव्य कीर्ति सर के प्रति भी रखती हूँ कि वो भी अपने क्लास को कभी बोर नहीं होने देते। उनका भी जो अंदाज है वो बड़ा मनोरंजक हंसाने वाला होता है, क्लास को कभी उन्होंने बोर नहीं होने दिया। मैंने उनके क्लिप यूट्यूब पर देखे हैं, हालांकि मैंने दिव्य कीर्ति सर की पर्सनल क्लास नहीं की है, पर जितना मैंने उनके जो भी वीडियोस यूट्यूब वगैरह पर रहते हैं उनको कभी कभी देखा है, तो वो भी बहुत अच्छा करते हैं। उनके प्रति भी मेरा प्रणाम है। और खान सर के लिए जो भी स्टूडेंट उनसे पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं या ऐसे भी उनके वीडियो देखते हैं, तो उनके लिए कहा जाता है कि जो लोग पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं वो भी खान सर के वीडियो देखते हैं। शायद नॉलेज के लिए ना देखते हों, हो सकता है मनोरंजन के लिए देखते हों। उनका स्टाइल बड़ा देसी टाइप का है, वो जो बिहार का टोन है उसके साथ में शब्दों का प्रयोग करते हैं और लोगों को हंसाते हुए चीज़ों को समझाने का प्रयास करते हैं। ये सराहनीय है और सबके लिए ये सराहनीय ही होना चाहिए, ना कि उसको ट्रोल करना चाहिए, ना कि उसके लिए कोई कंट्रोवर्सी करना चाहिए। जात पात धर्म नाम ये महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण ये है कि वो क्या आपको दे रहे हैं। अगर वो आपको कुछ गलत दे रहे हैं तो वो किसी भी धर्म के हों, वो निंदा के पात्र होने ही चाहिए। लेकिन अगर वो आपको कुछ अच्छा दे रहे हैं तो वो किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हों, वो सम्मान के पात्र होना चाहिए। हमारे कबीरदास जी कह गए हैं, मैं इसी बात से उनको, उनके लिए, खान सर के लिए बात कहना चाहती हूँ कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, काम काम निकालो तलवार से, पड़ी रहन दो म्यान। यानी कि किसी भी साधु की, किसी भी जो ज्ञान देने वाला है उसकी जात मत पूछिए, उससे ज्ञान पूछिए, तलवार से काम निकालिए। म्यान से क्या लेना देना है कि कैसी है, म्यान प्लास्टिक की है या लोहे की है, क्या इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ये है कि वो तलवार कैसी रखती है, उसमें तलवार कैसी है। आप किताब से पढ़ते हैं या फोटो कॉपी से पढ़ते हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि आप मैटर क्या पढ़ते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं वो क्या है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना चाहिए और मैं सपोर्ट करती हूँ कि वो इस तरह से उनको ट्रोल ना करें और जो भी स्टूडेंट हैं उन्हें सपोर्ट करें इस तरह से। वो यूट्यूब, उन्होंने एक बात कही कि वो यूट्यूब छोड़ देना चाहते हैं, ये व्यथित करने वाली बात है। हो सकता है वो मन से आहत हों कि वो इतना कुछ कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए और उनके साथ इस तरह का हुआ तो वो यूट्यूब छोड़ दें, पर ये ऐसा ना करें। मैं एक वीडियो देख रही थी उत्कर्ष एकेडमी का, जिसमें एक उद्घाटन हो रहा था स्वास्थ्य बैंक का जोधपुर में, उसमें सोनू सूद जी वर्चुअल जुड़े हुए थे, उन्होंने एक बात कही थी। मैं उस बात से खान सर को अवगत कराना, हो सकता है खान सर ने देखा हो वो वीडियो या उन्हें ये बातें पता हो,
लेकिन मैं अपनी तरफ से ये बात कहना चाहूंगी, जो बहुत प्रभावित की मुझे सोनू सूद की बात थी। तो सोनू सूद जी ने चार चीजें बताई थी जो आपको, आपसे एक पाप जो होता है, एक सिंबल है पाप, मतलब बुराई, जो आपसे करवाएगा। जब भी आप आगे बढ़ेंगे, जब भी आप कुछ अच्छा काम करना चाहेंगे, तो वो आपको पीछे करने के लिए कहेगा कि अरे ये तो ऐसे ही कर रहे हैं, ये तो इसलिए कर रहे हैं, अपना नाम करने के लिए कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग इससे व्यथित होकर उसे छोड़ देते हैं, और जो इस उसको पड़ाव को पार कर जाते हैं, इस लक्ष्य को पार कर जाते हैं, उनके पास फिर दूसरा लक्ष्य फेंकता है पाप अपना, और वो कहता है कि ये तो अरे ये तो राजनीति में जाना होगा, इनका तो यही काम होगा, ये इसलिए फेमस हो रहे हैं, होना चाह रहे हैं कि इसलिए ये राजनीति में चले जाएंगे, इसके बाद इनका ये है वो है, अपने मन से बातें बना लेते हैं। और बहुत लोग इससे व्यथित हो जाते हैं कि हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो हम क्यों करें, छोड़ देते हैं, तो पाप जीत जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं कि इस भी लक्ष्य भेदन से आगे निकल जाते हैं, तो उन पर तीसरा बाण फेंका जाता है, और उसमें कहा, उसमें एक तरह से उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या इज द सेंस, राजनीतिक हत्या हो सकती है, चारित्रिक हत्या हो सकती है, उसकी मानसिक हत्या हो सकती है, कि वो व्यक्ति किसी भी तरह टूट जाए और वो इसको आगे ही ना बढ़े। तो बहुत सारे लोग इस हत्या से भी प्रभावित होके कहीं ना कहीं टूट जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते, तो काम वो जो पाप होता है वो जीत जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग इस लक्ष्य भेदन को भी जीत के आगे बढ़ते हैं, और फिर भी वो अपना अच्छा काम करने लगते हैं, तो पाप जो है वो चौथा लक्ष्य अपना बाढ़ फेंकता है, और वो कहता है कि अरे ये तो भगवान है, ये तो ये कर रहे हैं, तो वो कर रहे हैं। तो कई बार वो व्यक्ति अपने आप को भगवान मान लेता है, और उस गर्व में आकर, उस घमंड में आकर फिर वो अच्छा काम नहीं कर पाता है। उसको तो लगता है मैं तो भगवान हूँ, मैं तो जो करता हूँ वो अच्छा ही रहेगा, तो कई बार वो इस घमंड में भी गलत कर बैठता है, या वो अच्छा काम करना छोड़ देता है, और जो इन चारों से ऊपर उठ जाता है वो वास्तव में ऊपर उठ के आगे बढ़ता है। तो खान सर, हमारी आपसे विनती है कि आप इन छोटी मोटी बातों से प्रभावित ना होते हुए आप ये देखिए कि ये कुछ लोगों के शब्द हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं, बाकी आपको, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको पसंद करते हैं, तभी आपके इतने फॉलोवर्स हैं, इतने व्यूअर्स हैं, अन्यथा क्यों होते अगर लोग आपको पसंद नहीं करते। तो आप जिस चीज़ की संख्या ज़्यादा है उन पर ध्यान देते हुए आप YouTube को ना छोड़ें, आप स्टूडेंट्स के साथ जुड़े रहें, और हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं स्टूडेंट्स के साथ भी, आपके साथ भी, कि आप अच्छाई का साथ ना छोड़ें, अच्छे बने रहें। मैं फिर कबीर का वही दोहा दोहराऊंगी कि जाति न पूछे साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस चीज, कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप स्टूडेंट्स को क्या सिखाते हैं, आप लोगों को क्या दे रहे हैं। अगर आप समाज के लिए पॉजिटिव चीज़ें ला रहे हैं तो आप अच्छे हैं, अगर आप समाज को कुछ नेगेटिव दे रहे हैं तो आप गलत हैं। आप किसी भी जात धर्म के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम आपके साथ हैं, आप बने रहिएगा, YouTube पर पढ़ाते रहिएगा। हमने स्पेशली इसीलिए ये वीडियो बनाया, और अपने स्टूडेंट्स से, अपने साथियों से ये निवेदन करूँगी कि इसे अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये खान सर तक भी पहुंच जाए, और वो जो YouTube छोड़ने का इरादा बना रहे हैं वो छोड़ दें, और वो व्यथित ना हो, क्योंकि लोग उनसे जुड़े हुए हैं, लोग उन्हें प्यार करते हैं, उनका सम्मान करते हैं। कुछ लोग तो ऐसे होते ही हैं जो अच्छा और बुरा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा भी बोलते हैं, तो इसमें इतना व्यथित होने वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी हुआ, निकल जाएगा, हो सकता स्वयं के फेमस होने के लिए उन्होंने ये चीज़ अपनाई हो, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लोगों ने गांधी जी को भी ट्रोल किया, लोगों ने भगत सिंह को भी किया, तो लोग सब तरह के होते हैं। इसलिए फिर भी गांधी जो गॉड से जैसे लोग थे, जो गांधी जी को पसंद नहीं करते थे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी, तो ये विचारधारा की बात है, कौन आपको पसंद करता है, कौन नहीं करता है। पर अधिक लोग पसंद करते थे, इसीलिए गांधी जी आज राष्ट्रपिता हैं। तो अधिक लोग क्या कहते हैं ये महत्वपूर्ण है। अधिक लोग अगर आपको पसंद कर रहे हैं, आप अगर, आपका खुद का हृदय कह रहा है कि आप गलत नहीं हैं, आप अच्छा दे रहे हैं, तो दुनिया की परवाह किए बिना आप अच्छा देते रहिए। इस समाज को अच्छे लोगों की ज़रूरत है, हम सबको एक मुहिम के साथ। हम भी टीचर हैं, आप भी टीचर हैं, और भी यूट्यूबर हैं जो अच्छे से पढ़ा रहे हैं, जो स्टूडेंट का किसी ना किसी तरह से फ़ायदा कराना चाह रहे हैं, वो इस मुहिम को छोड़े नहीं, जुड़े रहें।
ये समय ऐसा है, आर्थिक स्थिति बहुत खराब है देश की, ऐसे में फ्री क्लासेस मिलना स्टूडेंट के लिए वरदान साबित होंगी। तो कोई भी ऐसा यूट्यूबर, न सिर्फ खान सर बल्कि कोई और भी जो फ्री में शिक्षा दे रहा है, वो अपना मार्ग छोड़े नहीं। इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।